फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीक्रेट ग्लैम गर्ल्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि स्प्लिट एंड से कैसे छुटकारा पाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं बताती हूँ कि स्प्लिट एंड ज्यादातर बहुत रीजन से होते हैं, और स्पेशली तब होते हैं जब हमारे बाल उतने हेल्दी नहीं रहते हैं, बिल्कुल रफ रफ से हो जाते हैं तो स्प्लिट एंड हो जाते हैं, और बाल जब एक दूसरे से रगड़ाते हैं ना तब स्प्लिट एंड हो जाते हैं। तो उसे हटाने का कुछ, वो लगाने से कभी भी स्प्लिट एंड नहीं हटने वाला, क्योंकि जो बाल दो मतलब ऐसे हो गया है, दो मुंह हो गया, तो वो जुट कैसे सकता है। तो उसका बस एक ही उपाय है कि उसे कट कर लें। लेकिन अब जैसे ऊपर ऊपर तक भी स्प्लिट एंड हो जाते हैं तो हम सारे बाल को तो नहीं काट सकते, हमें सिर्फ स्प्लिट एंड काटना है। तो उसका एक उपाय होता है, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे उसे काटना है। तो मैं उस वीडियो को लगा दूंगी अभी, तो आप देख लेना कि कैसे कट करना है। तो हमें अपने बालों का छोटा छोटा सेक्शन लेना है इस टाइप से, और इसे फिर हमें ऐसे राउंड राउंड से मोड़ना है। ऐसे ट्विस्ट करना है, पूरा अच्छे से टाइटली ट्विस्ट करना है, मतलब लूज नहीं रखना है इसे। अब बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट ऐसा दावा करते हैं कि स्प्लिट एंड्स नहीं होगा, मतलब कि ठीक कर देगा, तो ठीक तो वो नहीं कर सकता है। भले कि अगर वो कट गया है तो दोबारा ना हो, लेकिन वो दो मुंह को जोड़ नहीं सकता है। तो हमें इस तरह से टाइटली इसे ट्विस्ट करना है, तो आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे बाल निकल आ रहे हैं ना, हमें इसे कट करना है। अब मैं इसे इस तरह से कट कर लूंगी, बस ऊपर ऊपर वाले बालों को। तो इससे जितने भी स्प्लिट एंड्स होंगे ना वो कट जाएंगे। तो ऐसे ही हमें सारे बालों को करना है, थोड़ा थोड़ा लेकर के। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इससे दुमुहे बाल हट जाते हैं। आप चाहो तो किसी का हेल्प भी ले सकते हो, वो आपकी हेल्प करेंगे इसे करने में। तो इसी तरह से इसे आप ऐसे ही काटते रहे पूरे, जितने भी आपको दो मुंहे बाल दिखने रहे। मेरे तो इतने दो मुंहे बाल है नहीं अभी, लेकिन फिर भी मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। लेकिन आपके अगर दो मुंहे बाल ज्यादा है तो आप इस तरह से कट करो, और आप देखना कि आपके बाल बहुत ज्यादा दो मुंहे बाल कट जाएंगे इससे। तो आपको इसी तरह से करना है, इससे जितने भी डेड हेयर रहते हैं ना वो भी निकल जाते हैं, और इससे बाल काफी हेल्दी लगती है, और उससे बाल रफ भी नहीं लगते, क्योंकि दो मुंहे बालों से बाल काफी रफ लगने लगता है। हमें पूरा बाल नहीं काटना है, बस उसके एंड्स पे काटना है इसी तरह से। तो आप देख सकते हो आपको एक भी दो मुंहे बाल नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि मैं इसे मंथ में एक बार जरूर यूज करती हूँ, या दो मंथ में जब मुझे लगता है कि मेरे दो मुंहे बाल हो गए हैं। तो इससे काफी अच्छे से मतलब हो जाता है, और बिल्कुल भी बाल में रफनेस नहीं रहता है, ड्राइनेस नहीं रहता है, क्योंकि दो मुंहे बाल से ही बाल जो है बहुत रफ लगने लगते हैं। आप देख सकते हो मेरे कितने बाल मैंने कट किए हैं अभी। तो इसी तरह से आपको पूरे बालों को कट करना है, और फिर आप देखना कि काफी अच्छे से, बहुत ज्यादा लेंथ भी आपके कम नहीं होंगे, और आपके दो मुंहे बाल भी हट जाएंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए जरा भी हेल्पफुल हुई हो, तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कर देना, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, जिनको भी ये प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होने में हेल्प होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक जरूर कर देना, और न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना। हम इस तरह की बहुत सारी वीडियोज लाते रहते हैं, आई मेकअप पर भी और बहुत सारी ब्यूटी टिप्स पे। तो थैंक यू।